अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। विहाड़ी से खबर शामिल करेंगे। सीनियर ब्यूरो चीफ विहाड़ी आकाश अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह ने अलिल सुबह सब्जी व फ्रूट मंडी का दौरा किया। उन्होंने सब्जियों फलों की बोलियों के अमल और कीमतों का जायजा लिया और मुख्तलिफ फड़ियों पर जाकर कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने अलिल सुबह सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी का दौरा करके नीलामी के अमल को चेक किया और कहा कि नीलामी के अमल का मकसद कीमतों को अतदाल पर रखना है। सब्जी व फ्रूट की कीमतें कंट्रोल होने से आवाम को रिलीफ रहा है। अवाम का मुफाद सबसे पहले है, किसी को गरां फरोशी नहीं करने दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसफ हुसैन शाह ने मार्केट कमेटी अफसरान को हदायत की कि नरखनामे को औसतन शहरा को मद्देनजर रखकर तैयार करें और मार्केट में नरखनामों की बरवकत पहुंच यकीनी बनाई जाए ताकि कोई सब्जी फरोश नाजायज मुनाफाखोरी ना करे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान भी मौजूद थी।